वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी विल डू अ टॉपिक विच इज फंक्शंस। देखिए, फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अगर मैं आपको कहूँ फंक्शंस कभी भी आपका जो है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पूरी प्लस वन प्लस टू करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं हर तरह के फंक्शंस का रोल आपको दिखता रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। व्हाट इज फंक्शन? ठीक है जी, तो हमने रिलेशंस के अंदर दो सेट्स की बात करी, ए और बी। इनकी मैपिंग को समझा कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं ए सेट के अंदर और बी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, इनको आपस में जो है मैप किया जा सकता है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको लेके चलता हूँ। लेट्स से ए सेट में मेरे पास कुछ बुक्स के नेम है, ए बी सी डी, मेरे पास चार समझ लीजिए बुक्स है, और सेट बी में मैं कुछ नंबर ऑफ पेजेस जो है उसकी कलेक्शन लिख देता हूँ। अब हो सकता है ए बुक में 10 पेज हो सकता है बी बुक में 30 पेज हो सकता है सी बुक में 40 पेज हो, और हो सकता है डी बुक में 50 पेजेस हो। पर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ए बुक में 10 पेजेस भी हो और ए बुक में 20 पेजेस भी हो? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब अगर मेरा यहाँ पे जो पेयर्स बन रहे हैं वो कुछ कैसे बन रहे हैं, ए के साथ 10 आउटपुट आ रही है, बी के साथ जो है 30 दिख रहा है, सी के साथ जो है 40 दिख रहा है, और डी के साथ जो है वो 50 दिख रहा है। तो ये आउटपुट्स है। तो ए एक इनपुट है और जो आउटपुट है उसकी 10 है। मतलब एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट आपको कभी नहीं दिखाई देगी, बिकॉज फंक्शन हैज अ मीनिंग कि ए एक बुक है। अगर मैंने आपको तभी बोला कि रिलेशंस में और फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। पहला मेन डिफरेंस कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगी, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज अ मीनिंगफुल थिंग विच कैन बी रिलेटेड थ्रू अ फंक्शन। अब वो फंक्शन कोई भी तरह का हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है। जबकि रिलेशन के अंदर कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं था, एक एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ भी पेयर बना सकता था, पर फंक्शंस के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर पॉसिबिलिटी है कि ए बुक में भी 10 पेज हो, बी बुक में भी 10 पेज हो, सी में भी 10 हो और डी में भी 10 हो। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। आउटपुट कुड बी सेम फॉर डिफरेंट इनपुट्स, बट एक इनपुट के लिए एक ही पर्टिकुलर आउटपुट हो सकती है, एक के साथ और ज्यादा आउटपुट्स नहीं हो सकती। तो इससे हम मीडियम से समझेंगे कि फंक्शन की एक डोमेन होती है, कोडोमेन होती है और रेंज होती है। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर हम तीन मेन टॉपिक्स पहले डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, दूसरा जो है दैट इज कोडोमेन, एंड थर्ड वन इज रेंज। तो ये तीन मेजर आपके टॉपिक्स हैं जो फंक्शंस के अंदर आपको पूछे जाएंगे। देखिए, अभी तो हम इसको थ्योरेटिकली समझ रहे हैं कि डोमेन क्या होता है, बट हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो पेपर्स में आते हैं इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वो आपको कई मॉडिफाइड फॉर्म्स में फंक्शन दिया जाता है और उसकी डोमेन या रेंज आपसे पूछी जा सकती है। तो वो हम बहुत सारे क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस भी करेंगे इन द कमिंग लेक्चर। तो अभी सबसे पहले हम समझते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। देखिए, डोमेन ऑफ फंक्शन वो वैल्यूज, वो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स होती हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, और यहाँ पे जो भी सेट पूरा का पूरा है जिनके लिए आउटपुट है ही है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट छूट नहीं सकता जिसकी आउटपुट ना हो। तो हम ए सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं ले सकते जिसकी आउटपुट ना हो, तो इसको हम कहते हैं सेट ए को, पूरा जो हमारा है ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, डोमेन है। ठीक है, इसी तरीके से बी सेट पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, कोडोमेन है। राइट, तो ए सेट पूरा ए बी सी डी डोमेन है, पूरा सेट बी हमारे पास कोडोमेन है, और रेंज जो होती है वो सिर्फ जैसे हमने फंक्शंस रिलेशंस के अंदर किया वैसे ही फंक्शंस के अंदर है। जो हमारी रेंज है वो यही है 10, 30, 40 and 50। सो सेट कंटेनिंग 10, 30, 40 and 50 इज कॉल्ड द रेंज। सो यहां से आपको कुछ बेसिक क्लियर हुआ कि कोडोमेन जो होती है हमेशा पूरा का पूरा सेट भी होता है जैसे कि रिलेशन में था, रेंज भी वैसे ही है जैसा रिलेशन में थी, बट थोड़ा सा यहाँ पे फर्क किया आ गया कि जो डोमेन है वो हमारे पास पूरा का पूरा सेट ए है, जैसा कि रिलेशंस के अंदर नहीं था। वहां पे सिर्फ जिन नंबर्स की आउटपुट थी वही जो है वो डोमेन का पार्ट होते थे। अब नॉर्मली वी रिप्रेजेंट अ फंक्शन इन दिस फॉर्म, एक एफ लिखा जाता है, दो डॉट लगाए जाते हैं, ए से लेके एरो
बी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी आपको कोई फंक्शन दिया हो उसकी डोमेन और रेंज दी हो तो कुछ ऐसी फॉर्मेट में आपको दिया जाता है जिसमें ए जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा डोमेन और बी जो आपको हमेशा रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा कोडोमेन। बहुत सारे बच्चे जो है इसको रेंज समझते हैं, ये ऐसा रेंज नहीं होता, ये हमेशा एक कोडोमेन होता है। हमें हमेशा एक सेट की कोडोमेन दी होती है। जब भी आपको फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो रेंज हम खुद जो है वो निकाल सकते हैं यूजिंग द स्टैंडर्ड ग्राफ्स और स्टैंडर्ड फंक्शंस। आज हम स्टैंडर्ड फंक्शंस की डोमेन और रेंजेस करेंगे, उनसे कैसे मॉडिफाइड फंक्शंस की स्टैंडर्ड डोमेन्स और रेंजेस निकाली जा सकती हैं उन पे भी आज डिस्कशन करेंगे। चलिए अब हम समझते हैं आगे कि नॉर्मली हम जो है फंक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं। हम नॉर्मली फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं जिसमें x जो होता है इसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो तरह के वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, एक x एंड एक y। x जो है जिसमें एक फंक्शन है जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, जो भी आपका फंक्शन है, x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y है जो x के ऊपर डिपेंडेंट है इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका ग्राफ हम समझते हैं कि ग्राफ जो होता है फंक्शन का वो कैसा होता है, उसके लिए हम एक टेस्ट भी करेंगे। देखिए नॉर्मली जो है ग्राफ के थ्रू हम एक फंक्शन की एक्सप्रेशन करते हैं और उसकी स्टैंडर्ड डोमेन और रेंज भी इसी की ग्राफ के हेल्प से निकाल सकते हैं। देखिए मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा है, ये कर्व है जो इसकी आउटपुट जो है वो यहां से लेके आउटपुट जो है ये ब्लैक कलर में आपका जो ग्राफ है ये इसकी आउटपुट है। देखिए इनपुट्स होती हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट्स, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं ये ए से लेके बी तक जो है ये एक्सप्रेस हो रहे हैं, और जो आउटपुट्स है मान लीजिए ये सी वैल्यू है और ये यहाँ पे आउटपुट जो है यहाँ पे खत्म हो रही है, दैट इज द वैल्यू डी। तो इस फंक्शन से क्लियर कट समझ आता है जो एक्स की वैल्यूज होती हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड था उसको हम कहते हैं डोमेन। सो डोमेन यहाँ पे अगर ए भी इंक्लूडेड है और बी भी इंक्लूडेड है तो डोमेन होगी ए से लेके बी तक और रियल नंबर्स, इसको हम क्लोज्ड इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। सिमिलरली जो रेंज होगी वो होगी हमारे पास सी से लेके डी तक। अब आप पूछेंगे यहां पे कि कोडोमेन कैसे पता चलेगी। कोडोमेन हमें इससे नहीं पता चलती, हमें जब फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया जाता है एफ फ्रॉम ए टू बी जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो ये सेट बी दिया होगा हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर वही इसकी कोडोमेन होगी। कोडोमेन हम खुद नहीं निकाल सकते, हमें गिवन होती है क्वेश्चन में। रेंज हम खुद निकाल सकते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ ग्राफ जैसा कि अभी आपने देख लिया। देखिए वाई का जो आपके आउटपुट्स हैं कहां से लेके कहां तक वेरी करती है उसको हम रेंज कहते हैं, और एक्स जहां से लेके जहां तक वेरी करता है उसको हम डोमेन कहते हैं। तो डोमेन और रेंज तो आपकी ग्राफ की हेल्प से निकल सकती हैं और जो आपकी कोडोमेन है वो हमें क्वेश्चन की ही हेल्प से पता लगानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट जो होता है हमारे को कई बार ये क्वेश्चन आता है कि वेदर दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन और नॉट, ये चेक करना है, तो इसको अब डिस्कस करते हैं। तो अब हम करते हैं कैसे हम ग्राफ की हेल्प से आइडेंटिफाई करें कि एक फंक्शन है या एक रिलेशन का ग्राफ है। तो देखिए ये सारे अब आपको मैंने कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स बना के दिए हैं, तो हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। इसके लिए हम एक शॉर्टकट बना देते हैं जिसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या एक्सप्रेस करता है कि जब भी हम किसी ग्राफ में भी एक वर्टिकल लाइन लेके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक रिप्रेजेंट कर दी मैंने वर्टिकल लाइन, इस पे रिप्रेजेंट कर दी, इस पे रिप्रेजेंट कर दी और इस ग्राफ पे हमने वर्टिकल लाइंस खींच दी हैं, अगर ये वर्टिकल लाइंस कहीं भी उस ग्राफ के अंदर एक से ज्यादा जगह ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है तो ये फंक्शन नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि एक वे एक्स के लिए मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वाई आ रही है अगर ऐसा एक से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट कर जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप स्टैंडर्ड ग्राफ देख पा रहे हैं, ये एक सर्कल का ग्राफ है, तो सर्कल की जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। तो देखा जाए तो वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स, बट यहाँ पे जो है दो वैल्यूज आउटपुट आ रही है आपकी, दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन। सिंगल एक्स के लिए
दो आउटपुट्स नॉट पॉसिबल, दो या दो से ज्यादा कुछ भी होगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये स्टैंडर्ड पैराबोला का ग्राफ है, ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें भी एक एक्स के लिए दो वाइज है। जैसे ही हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं कहीं भी ग्राफ में, वो एक से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। ये हाइपरबोला का ग्राफ है, इसमें भी इंटरसेक्ट कर रहा है दो जगह पे, ये भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। अब इस ग्राफ में देखते हैं, जो कि एक नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ लिया मैंने आपको, इसके अंदर कैसा ग्राफ है। देखिए कहीं भी हम इस पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं भी वर्टिकल लाइन खींचे, वो इस ग्राफ को एक से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। दैट मीन्स दिस इज अ फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन में भी बताया कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आनी चाहिए, उसी को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो इस ग्राफ की हेल्प से हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट के मीडियम से समझ लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैपिंग। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई, जेई मेन्स एंड एनडीए एग्जाम्स, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं या फिर हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हैं, सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इसके अंदर। अगर हम थ्योरेटिकली मामले में बात करें, हाँ अगर न्यूमेरिकली मामले में बात करें तो डोमेन रेंज वाले जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे। अब थ्योरेटिकल रेंज में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन की जो फॉर्म है, जो फंक्शन की फॉर्म है वो कौन सी है, ये किस तरह की मैपिंग है। जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था कि कैसे जो फंक्शन है ये अपने एक इमेज आउटपुट देता है दूसरे सेट के ऊपर। तो हो सकता है ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और बी सेट में है 1 2 3 4। तो ए जो आउटपुट दे रहा है आपको 1 दे रहा है, बी जो दे रहा है वो 2 दे रहा है, सी जो दे रहा है वो 3, और डी जो दे रहा है 4। ये ए की इमेजेस है, तो ए की इमेज है 1, 1 की प्री इमेज है ए, तो इस तरीके से ये लिंक्ड होता है। तो ये जो मैपिंग होती है ए की 1 बी की 2, सिंगल सिंगल आउटपुट है देख सकते हैं आप, कि मतलब ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ पे ए और बी की एक ही आउटपुट है, ऐसा भी कहीं नहीं है। तो ए बी सी डी सबकी अलग अलग आउटपुट है, इसको हम कहते हैं 1-1 मैपिंग या फिर इंजेक्टिव मैपिंग। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। अब इसके लिए हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें इसको, उसके लिए भी एक शॉर्टकट टेस्ट है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। देखिए कॉम्पिटिशन्स में इसका स्कोप बिल्कुल अलग तरीके से होता है और सीबीएसई के लिए इसको करने का तरीका अलग होता है। सीबीएसई के लिए जो मेथड है वो आपको यूज करना है इसकी डेफिनेशन। वो डेफिनेशन क्या है कि कब फंक्शन 1-1 है, इफ फॉर एफ ऑफ x1, कोई भी हम x1 लेते हैं उसके लिए और एक x2 लेते हैं, दो वैल्यूज लेते हैं। इफ दिस इंप्लाइज ओनली x1 इक्वल टू x2 ओनली, तब ये फंक्शन क्या है, ये एक 1-1 फंक्शन है। अब हम कॉम्पिटिटिव लेवल में कैसे चलते हैं इसको देखते हैं कि उसमें हम ग्राफ बना लेते हैं फंक्शन का। मान लीजिए ग्राफ आपके पास है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है जी, एक पैराबोला होता है ओपनिंग अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। तो अगर इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रॉ करी जाए और ये फंक्शन को एक से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट कर दे, तब इस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं मैनी वन, मतलब इट इज नॉट 1-1। सो ये 1-1 नहीं है, इट इज नॉट 1-1। अब इसका हम नाम देंगे बाद में, इट इज अ मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो ये भी हम बाद में एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर फंक्शन हो कुछ ऐसा जैसे कि वाई इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है, इस फंक्शन में आप देख सकते हैं कहीं भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, जैसे कि ये देखिए कहीं भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख रहे हैं, कहीं भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तब हम इसको कहते हैं दिस इज अ 1-1 फंक्शन, मतलब एक इनपुट की एक ही आउटपुट है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं फंक्शन विच इज नॉट 1-1। अब 1-1 नहीं है तो मैंने पहले ही आपको बताया, दूसरा क्या है मैनी वन। तो अगर ए इनपुट की भी एक आउटपुट है 1, और हो सकता है बी की भी सेम ही आउटपुट आ रही हो 1, तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, 1 के साथ एक और जो है मैनी, मैनी की 1 आउटपुट है। तो इसको हम फंक्शन को कहते हैं, इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम कहते हैं वन सॉरी मैनी वन फंक्शन या फिर मैनी वन मैपिंग। ओके, ये भी हो सकता था सी की भी 1 आउटपुट होती और डी की भी 1 आउटपुट होती। सो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। अब इसके अंदर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैनी वन फंक्शन के अंदर एक चीज ध्यान रखें कि यहां पे जो सेट ए में है कोई भी खाली आउटपुट नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा कोई यहाँ पे एम्प्टी ई या ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके आउटपुट ना हो, वो फंक्शन ही नहीं होगा।
और एक और चीज, वन मैनी जैसा कोई फंक्शन नहीं होगा, ये हम पहले ही फंक्शन की डेफिनेशन में क्लियर कर चुके हैं कि एक इनपुट की तो आउटपुट एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो वन मैनी फंक्शन तो होने का ही कोई सवाल नहीं होता। अब हमारी जो थर्ड टाइप है फंक्शन की, उसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन, या फिर इसको हम एक नाम देते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग। देखिए ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि एक इनपुट है यहाँ पे तो एक आउटपुट है, तो आउटपुट्स में कोई भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो कोडोमेन का हमारा सेट है यही रेंज के बराबर होना चाहिए, क्योंकि कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट भी होता ही होता है। सो कोडोमेन जो है वो पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जानी चाहिए, दैट मीन्स कोडोमेन शुड बी इक्वल्स टू रेंज। जब ऐसी कंडीशन होगी तब हम इसको फंक्शन को बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। और इसी के साथ हम कर लेते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होगा, अगर मान लीजिए इसके अंदर ही कोई आउटपुट जो है वो एक्स्ट्रा आ गई, मान लीजिए यहाँ पे 5 था, ठीक है, अब ये 5 जो है यहाँ पे कोड मेन के अंदर तो है पर रेंज के अंदर नहीं है, जो रेंज है वो 1 2 3 4 है पर कोड मेन है यहाँ पे 5 भी है उसके अंदर। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि कोड मेन व्हेन इट इज नॉट इक्वल्स टू रेंज देन वी से दैट इट इज एन इनटू फंक्शन। ओके, चलिए अब हम समराइज करते हैं हमने कौन कौन सी टाइप्स ऑफ फंक्शंस किए हैं। फर्स्ट फंक्शन इज वन वन फंक्शन, देन वी हैव मैनी वन फंक्शन, देन वी हैव ऑन टू फंक्शन एंड देन वी हैव इन टू फंक्शंस। सो दीज आर द फोर टाइप्स व्हिच वी हैव कवर्ड। अब इसमें से दो जो टाइप्स हैं जैसे कि वन वन और ऑन टू, ये दोनों ही बड़ी एक इंपॉर्टेंट टाइप है, तभी हमने दो के नाम भी दिए, इसका नाम दिया हमने इंजेक्टिव और इसका नाम दिया सब्जेक्टिव। अब हम देखेंगे कि जो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, अ फंक्शन विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं हमारे पास अगर कंबाइंड हो, मतलब वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो ये एक स्पेशल फंक्शन बन जाता है जिसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव मैपिंग। ऐसा क्यों हुआ कि यही दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्बिनेशन मानते हैं, ये इसलिए जरूरी हुआ कि एक इनवर्स जब हम किसी फंक्शन का करते हैं तब उसकी प्राइमरी कंडीशन यही होनी चाहिए कि वो फंक्शन वन वन और ऑन टू हो। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई। चलिए अब हम समझते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। अगर एक फंक्शन ए से लेके सेट बी तक जो है डिफाइंड है कुछ ऐसे, ए वन से मैपिंग है, बी की टू से है और सी की थ्री से है, तब जो फंक्शन होगा बी से ए की तरफ कि वन ए टू बी एंड थ्री सी, ये जो फंक्शन होगा इसको हम कहेंगे इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अब ये फंक्शन मान लो अगर ये होता मैनी वन, मैनी वन तो फंक्शन पॉसिबल था, तो ये यहां पे अगर हो जाता बी वन आउटपुट, मान लो टू भी नहीं होता यहां पे, या चलो ले लिया इन टू भी है ये फंक्शन। अब इसको यहां पे उल्टा करके देखते हैं कि आउटपुट्स कैसी होती हैं। अब वन ए को आउटपुट दे रहा है और वन बी को भी, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होता, और दूसरा जो टू है इसकी कोई आउटपुट ही नहीं है, तो दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। क्लियर? तो एक फंक्शन का इनवर्स होने के लिए उस फंक्शन को वन वन होना जरूरी था, मतलब एक एक ही आउटपुट होती, तभी उसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल होता, ठीक है। और अगर यहां पे कोई खाली छूट जाता, जैसे आपने देखा टू एलिमेंट खाली छूट गया था, वो फंक्शन इनटू फंक्शन बन गया था, तब भी उसका इनवर्स जो था वो ऑप्टेन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो फिर से फंक्शन ही नहीं रहता। तो जो फंक्शन ए से लेके बी तक होता है इसका इनवर्स जो होता है वो एफ इनवर्स से डिफाइन किया जाता है, वो बी से लेके ए तक होता है। यहां पे आप बी को कह सकते हो ये इस फंक्शन की जो थी वो रेंज थी, क्योंकि रेंज यहां पे कोडोमेन के बराबर है, क्योंकि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हमारी डोमेन ऑफ एफ है, डोमेन ऑफ एफ है वो होती है रेंज ऑफ एफ इनवर्स। सिमिलरली
जो रेंज ऑफ एफ है वो होती है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो ये आपकी एक इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको ग्राफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बता रहा हूं, जो ग्राफ होता है इस फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन का, ये कैसा होता है। मान लो अगर आपके पास कुछ ग्राफ ऐसा है, ये देखिए, ये कुछ ऐसा ग्राफ है आपका एक फंक्शन का, इसका जो इनवर्स होगा वो हमेशा y इज इक्वल टू एक्स लाइन आप ड्रॉ करिए, उसके अंडर में एक मिरर इमेज होगी, वो इस फंक्शन का ग्राफ होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज द मिरर इमेज ऑफ गिवन ग्राफ इन लाइन y इज इक्वल टू x। तो ये आपका एक तरीका होता है ग्राफ बनाने का, ठीक है जी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन। कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, मतलब अपना ग्राफ जो है उनका वो रिपीट होता है कुछ फंक्शन टी के बाद, कुछ पीरियड टी के बाद। उन ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक इफ देयर इज अ पॉजिटिव नंबर टी सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कंडीशन है जो कि पीरियोडिसिटी को डिक्लेयर करती है और उस पीरियड को निकालती है। पर ये तो टी की तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती थी, बट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सच वैल्यू इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ एक्स। इसके एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलता हूं। साइन एक्स एक फंक्शन देखते हैं जो कि पीरियोडिक होता है। देखिए दो तरीके होते हैं जिससे हम पीरियड किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं। एक तो होता है ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल हम साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ये आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद ये ग्राफ इटसेल्फ रिपीट कर रहा है, मतलब जो है ये पूरा का पूरा, अगर यहां से फंक्शन को उठाया जाए ग्राफ को और इसको यहां पे उठा के यहां रख दिया जाए तो पूरा ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। और ये पॉइंट होता है 0 और ये पॉइंट होता है 2 पाई। मतलब फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे साइन एक्स था ये 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। दैट मीन जो साइन एक्स की वैल्यू है वही साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई की वैल्यू है, जो कि मोस्टली सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ट्रू होता है। तो 2 पाई के बाद अगर ये फंक्शन रिपीट कर रहा है दैट मीन इसका पीरियड जो है वो 2 पाई है। क्या ये वैल्यू 4 पाई भी हो सकती थी, 6 पाई भी हो सकती थी? तो यस, ये वैल्यू तो डिफाइन होती, पर दैट इज नॉट कॉल्ड द पीरियड ऑफ द फंक्शन, बिकॉज जो पीरियड की डेफिनेशन है वो ही है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सच एक्स टी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। मतलब ये हो सकता था साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई भी साइन ऑफ एक्स होता, पर जो हमारे पास अगर टी के लिए क्वालिफाई करना उस वैल्यू को, सो दिस इज टी ओनली व्हेन दिस पीरियड इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक फंक्शंस की कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनके बेस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं पेपर्स में। पहली जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपको साइन एक्स जो है इस फंक्शन का पीरियड पता है कि ये है एक्स टी, किसी भी फंक्शन का जो पीरियड है वो टी है। तो आपको अगर फंक्शन साइन ऑफ मान लीजिए 5x का पीरियड पूछा जाता है तो वो होगा टी बाय 5, मतलब इसका जो पीरियड था वो तो था 2 पाई, तो जो साइन 5x का पीरियड होगा वो होगा 2π/5। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। बस ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर माइनस भी होता 5 तो यहाँ पे प्लस ही आता है, क्योंकि पीरियड हमेशा पॉजिटिव में होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आ जाते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस आपको कुछ, या साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ऐसा एक फंक्शन आ जाता है, तब आपको क्या करना है? तब देखिए वैसे तो नॉर्मली जब दो फंक्शंस ऐड होते हैं हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं पीरियड की फॉर्म में, पर इस केस में ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है। साइन और कॉस आपस में कैसे पेयर्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। अब इसका पीरियड भी पाई था और इसका पीरियड भी पाई था, पर इन दोनों के सम का पीरियड पाई नहीं होगा, ये हाफ ऑफ पीरियड्स जो होंगे इनका पाई इसके बराबर है, ये है π/2। तो ये आपने पेयर्स हमेशा याद रखने हैं कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होंगे उनका आपने एलसीएम या आपको जो भी वैल्यू उसकी आती है पाई, जैसे इसमें कॉमन आ रही है उसका हाफ जरूर लेना है। नॉर्मली हम जब भी दो फंक्शन ऐड हो रहे होते हैं तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं।
तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद बाद हाफ भी लेना पड़ा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स थे। आप अगर ये पाई बाय टू चेक करके देख सकते हैं, वैल्यू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू यहाँ पे डालिए और कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू डालिए, ये टोटल फंक्शन सेम का सेम बन जाएगा। ये पाई से भी सेम आता, पाई प्लस एक्स करते तब भी सेम आता, बट हमारा पीरियड की डेफिनेशन क्या है, इट शुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट्स पीरियड इज पाई बाय टू। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शंस। ये भी दो बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। जब भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो था, अगर एक्स की जगह हम पूरे फंक्शन में माइनस एक्स पुट कर दें और वो वैल्यू एफ ऑफ एक्स ही आ जाए, तब इस टाइप के फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज इवन फंक्शन। इसके एक एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स की जगह एक्स माइनस एक्स हम डालते हैं तो क्या आता है, देखिए माइनस एक्स डालते हैं माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी तो क्या बना, एक्स स्क्वायर ही बना, मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू सेम आ गई। दैट मीन्स दिस इज एन इवन फंक्शन। जो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है वो हमेशा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, जैसा यहां पे राइट साइड पे इसका ग्राफ होगा वैसा ही इसका ग्राफ लेफ्ट साइड पे, मतलब वाई के लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा। दूसरा फंक्शन होता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन कैसा होता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो इसको हम कहते हैं, सॉरी माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए इसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम लेके चलते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक्स क्यूब है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करते हैं तो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो माइनस एक्स का क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब। तो ये जो टाइप आपका फंक्शन है जिसमें फंक्शन के आगे एक नेगेटिव लग गया है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो होता है वो होता है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, जैसे ये वाई एक्सिस के अबाउट था, सॉरी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो ये ओरिजिन है, तो जैसा ओरिजिन के इधर दिखेगा वैसा ही ओरिजिन के इधर दिखेगा। तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ है नॉर्मली, जो ये आपका एक्स क्यूब का ही स्टैंडर्ड ग्राफ बनाया मैंने, तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो दिस फंक्शन इवन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ये है स्टोरी अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शन। पर फिर से मैं आपको कहूंगा कि ये जो टॉपिक है ये इतना सीधा जो है क्वेश्चन नहीं बनता, क्लियर कट वन टाइम में तो आपको दिखता ही नहीं है कि ये इवन है या ऑड है। आपको ऐसा ही लगेगा एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने के बाद कि शायद ये क्वेश्चन जो है नीदर इवन नॉर ऑड है। पर अगर हम इसको थोड़ा रैशनलाइज या कुछ फैक्टराइज करेंगे तो हो सकता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना दिखाई दे, तो आप इसको क्लियर कट डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि ये इवन है या ऑड फंक्शन है। इसकी हम एग्जांपल्स करेंगे तब ये और अच्छे से क्लियर होगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन। देखिए कंपोजिट क्या होता है, एक से ज्यादा फंक्शंस का मेल। तो जैसे कि एग्जांपल हम लेके चलते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, लेट से साइन एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें एक कॉम्पोजिट फंक्शन चाहिए, ये फंक्शन हो सकता है एफ ओ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहले हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल के देखते हैं। देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ वाले फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करेंगे पूरे के पूरे जी ऑफ एक्स के साथ, मतलब फंक्शन तो रहेगा एक्स वाला, एफ वाला, तो एफ वाला फंक्शन क्या था, साइन, बस इसमें जहां भी एक्स है उसकी जगह पूरा का पूरा जी ऑफ एक्स फंक्शन आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब दूसरा जो फॉर्म है इसकी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि जी के अंदर, जी वाले फंक्शन के अंदर जो जी का फंक्शन था, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो इसमें एक्स की जगह हम एफ ऑफ एक्स डाल देंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5। बट इसको साइन को हम कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। So these are the composite functions f of g of x or g of f of x. We can also find f of x. जैसे कि f of x हम निकाल सकते हैं। Sine का function था, इसके अंदर x की जगह भी क्या आ गया, sine x ही आ गया। तो इस तरह के functions भी हम evaluate कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत ही important outcome रहती है कि अगर दो functions का composite f of g of x
अगर एक्स के बराबर आ जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है, तो इसका ये मतलब होता है कि जो एफ है वो जी का इनवर्स है और जी जो है वो एफ का इनवर्स है। मतलब एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन जब होते हैं तब तो उनका कॉम्पोजिट जो आता है वो हमेशा एक्स आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है, दैट इज द ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो एक एक करके हम बहुत सारे ग्राफ्स आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फंक्शन का जो ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसे कि y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, ये लाइंस रहती हैं पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसकी जो डोमेन है, देखिए डोमेन क्या होता है, शेडो ऑफ द ग्राफ ऑन x एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेडो जो है कास्ट हो रही है x एक्सिस पे, सारी डोमेन हो रही है और रियल नंबर्स, मतलब कोई भी ऐसी रियल नंबर की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको जो आपको अनडिफाइंड कर दे इस फंक्शन को। दैट मींस डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, वेयर एज रेंज इज ओनली दैट वैल्यू, ओनली दैट वैल्यू। मतलब अगर वाई इक्वल टू के आपका कॉन्स्टेंट जो फंक्शन था, तो ये ओनली के एज अ सेट जो है इसकी रेंज है, रेंज होता है आउटपुट। जैसे मान लो वाई इक्वल टू 3 था, तो ओनली रेंज इज 3 एज अ एलिमेंट। अब दूसरा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमारा और भी बहुत ज्यादा काम आएगा, इनवर्स फंक्शन में भी काम आता है, तो इसको ध्यान से समझे। y इज इक्वल टू x फंक्शन होता है। y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, ये एक लाइन है पैरेलल टू सॉरी इंक्लाइन टू, इक्वली इंक्लाइन टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये 45 डिग्री पे इंक्लाइन रहती है, दैट इज y इज इक्वल टू x लाइन। तो इस केस में ओरिजिन से ये पास करती है लाइन, इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स होती है और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स होती है। देन थर्ड इज लीनियर फंक्शन, जिसको हम एक स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक फॉर्म लिया y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिया है। तो ये कैसी भी आप फॉर्म इसको लिख सकते हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो ये रिप्रेजेंट करती है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स होती है और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स होती है। तो अब हमारे नेक्स्ट जो है ग्राफ्स वो है स्केयर फंक्शन। स्केयर फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू x स्केयर, इट इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। तो ये इसका ग्राफ रहता है। देखिए अब इसमें जो आउटपुट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स की आप चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट कीजिए चाहे पॉजिटिव वैल्यू, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डोमेन के लिए हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे सारे रियल नंबर्स के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है, बट रेंज पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसको हम लिखते हैं इंटरवल फॉर्म के अंदर 0 टू इंफिनिटी। देन वी हैव अ क्यूब फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका कुछ ग्राफ ऐसा रहता है जिसमें ऑल रियल नंबर्स जो है वो कवर होते हैं एज अ डोमेन भी और रेंज भी। तो मतलब आउटपुट भी कैसी आ सकती भी है और जो इनपुट है वो भी कैसी भी हो सकती थी। देन वी हैव अ रेसिप्रोकल फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू 1/x। ये कुछ ग्राफ ऐसा रहता है, जैसे जैसे x बढ़ता है जैसे जैसे y डिक्रीज होता है। सिमिलरली ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपको दिखाई देता है। तो जैसे जैसे आपका देख रहे हो एक्स डिक्रीज हो रहा है, वाई बढ़ रहा है, क्योंकि रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वैल्यू उतनी बढ़ती जाती है, पर ये अप्रोच करती है इन्फिनिटी को, कभी भी ये क्या है इक्वेट नहीं होती है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है ना ही एक्स एक्सिस को ना ही वाई एक्सिस को। तो अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस ग्राफ के एसिम्प्टोट्स का काम करते हैं। एसिम्प्टोट्स वो होते हैं जो टेंजेंट्स टू इन्फिनिटी होते हैं किसी भी ग्राफ के लिए। इसकी जो रेंज है या डोमेन है दोनों ही कैसी है, देखिए ऑल रियल नंबर्स के लिए पॉसिबल है डोमेन, पर जीरो पे ये डिफाइंड नहीं है। देखिए 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, जो कि डिफाइंड नहीं होता। सिमिलरली रेंज भी जो है वो जीरो पे डिफाइंड नहीं है, तो मतलब ना ही डोमेन में जीरो आएगा ना ही रेंज में जीरो आएगा। तो डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो है और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो है। हमारे नेक्स्ट टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आर, जिनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। फर्स्ट इज स्केयर रूट फंक्शन। देखिए स्केयर रूट फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x। रूट ऑफ x का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा रहता है। देखिए रूट जब आएगा तो आउटपुट कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, और रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए जो भी वैल्यू x है, चाहे x माइनस 3 है, जो भी अंदर दिया गया है रूट के अंदर, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी उसका रूट जो होता है वो डिफाइंड होता है। तो इसके डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से इंफिनिटी के बीच में होनी चाहिए, 0 हो सकती है और पॉजिटिव नंबर हो। सिमिलरली रेंज भी जो है, जो इसकी आउटपुट है वो भी पॉजिटिव ही है। दैट मींस पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, 0 से इंफिनिटी।
देन वी हैव अ मॉड्यूलस फंक्शन। देखिए मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू मॉड x होता है, इसको हम रीडिफाइन करते हैं, इट इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, तो ये कुछ ऐसे रीडिफाइन हो जाता है। जब हम देखते हैं x ग्रेटर देन 0 था तो ये y इक्वल टू x का काम करता है, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और जब x लेस देन 0 है तो ये माइनस x का काम करता है, तो कुछ ऐसी शेप इसकी दिखती है। तो मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा जो आउटपुट देता है, देखिए आप देख सकते हैं इसमें आउटपुट नीचे कभी नहीं आ रही है, मतलब y एक्सिस की जो आउटपुट है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ रही है, सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, बट डोमेन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, वेयर एज रेंज ऑफ अ मॉड्यूलस फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी। देन अवर नाइन्थ फंक्शन इज लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए लॉग एक्स टू द बेस ए, इसको ऐसा लिखा जाता है, लॉग के एक्स के बेस में ए है, ये जो ए बेस है ये वन कभी नहीं हो सकता, तो ए कैन नॉट बी वन एंड ए मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स 0 टू 1 या फिर 1 से बेस हो पड़ा, तो दोनों ही कंडीशंस के लिए ग्राफ होता है डिफरेंट। जब तो बेस होता है ए 1 से बड़ा तो कुछ ग्राफ ऐसा दिखता है। डोमेन 0 से लेके इंफिनिटी है, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से हमेशा बड़ी होगी, तो मोस्टली क्वेश्चन आपका इसकी डोमेन पे आ सकता है। तो डोमेन के लिए जो भी लॉग के अंदर वैल्यू है उसको हमने क्या लिखना है, ग्रेटर देन 0। अभी हम इसके एंड में, चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जब, तो इस पे हर ग्राफ की जो हमने अभी आउटकम्स डोमेन्स और रेंज याद कर रहे हैं इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। देन ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1, उस केस में क्या होता है, 0 और 1 के केस में ये थोड़ा सा ऐसा डिक्रीजिंग टाइप ग्राफ होता है, तो उसमें जो है डोमेन है 0 से इंफिनिटी और रेंज है ऑल रियल नंबर्स। तो इससे टोटल आपको टू आउटकम्स क्लियर हो रही है कि जो एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो बेस है वो दो तरीके से डिफाइन हो सकता है, या तो 0 से 1 तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, और 0 से अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, और 1 पे तो डिफाइंड ही नहीं है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो नेक्स्ट ग्राफ इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है। तो इसमें भी फिर से दो टाइप्स बनेंगी, फंक्शन तो है y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, तो इसमें भी फिर से दो टाइप्स हैं। देखिए या तो बेस a जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, जो इसकी एक स्पेशल एग्जांपल होती है e रेज टू द पावर x, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू भी 2.732 होती है, तो वो इस केस के अंडर आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, पर अगर बेस हो 0 से 1 के बीच में तो ये कुछ डिक्रीजिंग फॉर्म ले लेता है लाइक दिस, राइट। सो दीज आर द टू फॉर्म्स व्हेन a रेज़ टू द पावर x इज आस्क्ड। तो इसमें जो डोमेन है, देखिए आप डोमेन देख पा रहे हैं, जो शेडो है इस ग्राफ की वो ऑल रियल नंबर्स है, जबकि जो रेंज है वो दोनों ही केस में 0 से इंफिनिटी है, 0 कभी भी इंक्लूड नहीं होगी। एज यू कैन सी जब जब ये डिक्रीज कर रहा है x, तो ये y डिक्रीज कर रहा है बट 0 को कट कभी नहीं कर रहा है। सिमिलरली इस केस में x बढ़ने के साथ y डिक्रीज कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 0 को, बट 0 कभी नहीं हो रहा है। सो दीज आर अगेन एसिम्प्टोट्स, x एक्सिस आर अगेन एसिम्प्टोट्स टू दिस ग्राफ। सो अवर नेक्स्ट ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम नॉर्मली जब बोलते हुए ज़िंटेक्स भी बोलते हैं। तो इसको लिखा जाता है इस फॉर्म में, स्केयर ब्रैकेट है x के अंदर, तो x के बाहर जो है स्केयर ब्रैकेट है, ज़िंटेक्स बोला जाता है इसको। इसकी कुछ वैल्यू है, इसको थोड़ा हम करके भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.7 हमारे पास, अगर इसका ज़िंट निकालना है तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। 0.99 का भी आप ज़िंट निकालोगे तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। ये एक्चुअली क्या करता है, जो भी वैल्यू होती है उसको इसके लोएस्ट इंटीजर पे लाके इवेल्युएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 1.9 का ज़िंट है, ये 1 रहेगा, मतलब जो इससे प्रीवियस इंटीजर रहेगा वो आपको ये डिफाइन करता है। मतलब 0 से लेके अगर मैं 0.999 तक कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो उसकी आउटकम मेरी 0 आएगी। जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, देयर आर स्लांट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 0 से 1 तक 0 है, 1 से 2 तक 1 है, पर एग्जैक्ट अगर 1 होता तो इसकी वैल्यू 1 ही होती, एग्जैक्ट 2 होता तो 2 ही होती। तो इट ऑलवेज गिव एन इंटीजर आउटपुट, जब भी आपको इंटीजर आउटपुट चाहिए होगी तो ज़िंटेक्स आता है आपका फंक्शन, तो ये हमेशा ही आपकी इंटीजर आउटपुट देगा। पर फिर से ये ध्यान रखना, आपने नेगेटिव साइड पे थोड़ा सा इसका जो एक्शन होता है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव होता है। फॉर एग्जाम्पल माइनस 0.3 है, तो इसको आपने देखिए पॉजिटिव में तो दिख रहा है कि 1.9 है तो 1 रह जाएगा, जो पॉइंट के बाद है वो खत्म हो जाएगा, पर नेगेटिव वाले में ऐसा नहीं है।
नेगेटिव वाली साइड पे देखोगे तो जंप डाउन करता है, स्टेप डाउन फंक्शन होता है ये। तो एक स्टेप डाउन मतलब 0.3 से जो पिछला इंटीजर है वो है -1। तो जब भी आपका नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव पॉइंट होगा तब आपको थोड़ा ध्यान से काम करना है। पॉजिटिव के लिए तो बहुत ही क्लियर है, जो भी पॉइंट के बाद है उसको आप खत्म कर दीजिए, दैट इज द आंसर। तो इसकी डोमेन रहती है ऑल रियल नंबर्स, बट रेंज इज ओनली इंटीजर्स, तो इंटीजर्स आउटपुट इसकी रहती है सिर्फ एज अ रेंज। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फैक्स। इसको हम डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू दिस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर x को डाला जाता है। अब इसमें भी कुछ एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूं। मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7 आता है तो इसकी वैल्यू 0.7 रहेगी, मतलब जो पॉइंट के बाद है वही रहेगा। बट ये भी अगेन कैसा है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, मतलब अगर मान के चलो 0.2 पे तो इसकी वैल्यू 0.2, 0.3 पे तो इसकी वैल्यू 0.3। तो मतलब जैसा y इज इक्वल टू x जैसा ही बिहेव कर रहा है, बट कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। 1 पे जैसे ही आएगा, जैसे ही इसका इंटीजर 1 आएगा तो इसका पॉइंट के बाद कितना बचा है, 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जंप करके डाउन हो जाएगी 0 पे। तो 0 से 1 तक ये राइज करेगा y इक्वल टू x जैसा ग्राफ, पर जैसे ही 1 आएगा तो ये जंप करके डाउन 0 पे आ जाएगा। पर इसको भी ध्यान रखना है नेगेटिव वैल्यूज के लिए, जैसे कि -0.3 है तो इसकी वैल्यू 0.7 रहेगी। 1 में से उस वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देना आपने जो भी आपके नेगेटिव साइड पे होगा पॉइंट के बाद। जैसे कि माइनस आप 2.7 लेते हो तो इसकी वैल्यू 0.3 रहेगी, 1 में से 0.7 वाला सबट्रैक्ट कर देना आपने। तो इस तरीके से आपका इसका ग्राफ रहता है। ये भी एक पीरियोडिक ग्राफ है जो आप देख रहे हो, 0 से 1 1 1 पीरियड के बाद ये रिपीट कर रहा है। इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, मतलब एक्स की हम कोई भी वैल्यू यहां पे ले सकते थे, बट जो आउटपुट है उसकी रेंज जो है वो 0 से लेके 1 तक ही जो सीमित है। तो इसकी रेंज आती है 0 से 1 और डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स। Now the next function is signum function. Signum function क्या होता है? SGM of x से denote किया जाता है. Mod x by x रहता है जब x not equal to 0 है, और 0 रहता है जब x equal to 0। तो मतलब 0 पे तो ये clearly defined हो गया कि 0 पे तो इसकी value 0 की है। अब अलग 0 से अलग कैसा है? ये हमेशा mod x by x है। तो इसमें दो केस बन जाते हैं यहाँ पे। तो जब तो x हो greater than 0, तब तो mod x भी क्या रहता है? Mod x by x क्या हो जाएगा? X by x that is equal to 1। मतलब जब भी ये x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो क्लियर कट एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी। और जब x लेस देन 0 है तो ये माइनस x बाय x बन जाएगा मॉड वाला, तो ये बन जाएगा -1। तो जब भी ये लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू है -1। तो डोमेन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, बट द रेंज इज ओनली लिमिटेड टू 3 इंटीजर्स, दैट इज -1, 0 एंड 1। तो रेंज इज ओनली -1, 0 एंड 1 एंड डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। So now we will do previous year NDA questions. हर टॉपिक पे हम क्या करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं अब तक और उनको करने की टेक्निक्स क्या है, द शॉर्टेस्ट वेज टू डू दोज क्वेश्चंस वी विल डिस्कस नाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, देखिए टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, टॉपिक वाइज में क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें हम समझ लेते हैं पूरे चैप्टर में। एक तो फंक्शंस की टाइप्स हैं, जैसे कि 1-1, ON2, many-1 एंड into functions. Then we have inverse of function. Then we have domain and range of the function. That is the जो numerically आपको tough लगेंगे questions, वो domain और range के ऊपर लगेंगे। बाकी सारे understanding के base पे questions हैं। जहाँ पे calculation work आएगा, वो mostly आएगा आपको domain range के questions के अंदर। तो let us see किस तरह के ये questions बनते हैं। If f be a function from the set of natural numbers to the set of even natural numbers. तो अगर आपको देखा जाए, ये फंक्शन की एक फॉर्म है सेट ऑफ, देखिए कौन सा है ये नेचुरल नंबर्स, मतलब जो डोमेन है इस केस में, अगर मैं सीधा ही बात करूं डोमेन, जो डोमेन है वो डिफाइन कर दी गई है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो वाई की जो वैल्यू है वो कैसी होने वाली है, क्योंकि वाई इज इक्वल टू 2x, एक फंक्शन दे रखा है वाई इज इक्वल टू 2x। तो ये जो आउटपुट है कैसी होने वाली है, जब इनपुट जो कि x की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स दिस, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो कहीं भी रेपिटेशन नहीं है, मतलब एक x के लिए एक ही आउटपुट है y की। तो ये क्लियर कट कैसा फंक्शन है, ये आपका फंक्शन जो है वो है 1-1 फंक्शन। अगर मैं इसको एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करना चाहूं तो यहाँ पे कुछ इनपुट्स बनती है 1, 2, 3 जैसे सो ऑन, तो इसकी जो आउटपुट्स है वो कैसी है 2, 4, 6 जैसी। तो 1, 2 से रिलेटेड है, 2, 4 से रिलेटेड है, 3, 6 से रिलेटेड है। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है,
जो बी सेट होता है यहाँ पे कोडोमेन भी होता है। रेंज हमारे को दिख गई है कि इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो जरा देखते हैं, नजर मारते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन में कोडोमेन आपको दी होती है, तो कोडोमेन को ध्यान से देखिए। इफ एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ये जो है ये कोडोमेन दी होती है। तो कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर हो गई कि ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्लैरिटी हुई कि जो हमें कोडोमेन होती है वो क्वेश्चन से फाइंड आउट करनी होती है, क्वेश्चन में ही दी होगी। रेंज हमारी जो आउटपुट्स होती हैं बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन, वो हमारी रेंज होती है। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। 2009 का क्वेश्चन है ये, एनडीए का। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन है द लेट द फंक्शन फ्रॉम ऑल रियल नंबर्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पे जो डोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन फंक्शन की दोनों ही रियल नंबर्स है और फंक्शन जो है वो एक्स मॉड एक्स है। देखिए क्वेश्चन में आपको दो ही इनपुट्स चाहिए होती हैं टू फाइंड वेदर इट इज वन वन ऑन टू। एक तो आपको चाहिए उसकी टू कोडोमेन और डोमेन, और दूसरा फंक्शन इटसेल्फ। तो दो ही चीजें चाहिए, रेंज हमें खुद ढूंढनी पड़ेगी। सबसे इजीएस्ट मेथड जो होता है इसका वो होता है इसका ग्राफ बना लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करके दिखाया विदाउट ग्राफ करके दिखाया, उसके अंदर मैंने आपको इनपुट एंड आउटपुट्स को मेथड लेके करा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन जो है इसको करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो ताकि आप दोनों मेथड्स को अच्छे से समझ पाए। तो लेट से अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। देखिए मॉड एक्स कैसा है, जब एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स भी पॉजिटिव है, मतलब ये फंक्शन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो जब तो एक्स पॉजिटिव है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, और जब एक्स लेस देन जीरो है तो ये माइनस एक्स का काम करेगा, तो ये पूरा माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको वन वन ऑन टू के लिए एक शॉर्टकट मेथड बताया था, वो ये था कि ग्राफ के ऊपर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देखिए। जब भी ग्राफ आपका तैयार है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलते हैं, कहीं भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको क्रिएट करके देखिए, अगर ये ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट करती है तो ये वन वन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट नहीं कर रही, दैट मीन्स इट इज प्योरली वन वन फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए था, रेंज चाहिए थी, कोडोमेन तो ऑलरेडी वी हैव, तो रेंज तो ग्राफ से बनी गई है हमारे पास। तो रेंज जो है इसकी ऑल रियल नंबर्स है, क्योंकि आप देख सकते हो सारी वैल्यूज ये एक्स की ले पा रहा है वाई की, तो वाई की सारी वैल्यूज लेने का मतलब है ऑल रियल नंबर्स इज द रेंज, और कोडोमेन भी हमें दी गई है ऑल रियल नंबर्स। तो सीधा सीधा इसका मतलब है दिस इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, सो दिस इज अगेन द आंसर इज सेम। सो नाउ आवर नेक्स्ट टाइप इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। देखिए हमने फर्स्ट टाइप जो करी वो करी टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर, जिसमें वन वन ऑन टू मैनी वन एंड टू फंक्शंस के बारे में पूछा जा सकता है। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन इज कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा और उसका इनवर्स पूछा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है इसका। देखिए यहाँ पे फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स दे दिया गया है, आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी फंक्शन है इसको वाई से आप डिनोट कर दीजिए, 2/3x + 3/2। देखिए इसमें बहुत ज़रूरी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फंक्शन का इनवर्स कब निकलता है। फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो वन वन एंड ऑन टू हो। यहाँ पे कहीं ऐसा मेंशन नहीं था क्वेश्चन में कि इसको चेक कीजिए फॉर वन वन एंड ऑन टू। अगर यहाँ पे कंडीशंस दे रखी होती, कोडोमेन दे रखी होती, तो आपको वो भी चेक करना है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो इट इज़ ऑलवेज एज्यूम कि जब ऐसी कंडीशन नहीं दी जाए तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इनवर्स फाइंड आउट कर दोगे। तो y इज इक्वल टू ये आपको फंक्शन दिया गया है, इसमें क्या करना है, अपने x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, बस इतना ही काम करना होता है। और पहले ही आप क्या काम करिए, x और y को इंटरचेंज कर दीजिए। तो इंटरचेंज x एंड y, ये x हो गया और यहाँ पे 2/3y + 3/2 हो गया। अब आपने क्या करना है, y ही निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे इसको इधर ले आइए, देखिए सबसे पहले तो अगर आप y निकालना चाहते हो तो ये आप -3/2 इधर ले जाइए। तो x -3/2 is equal to 2/3y। अब आपको 3/2 से सारे को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 3/2x - 9/4 = y। यही आपका आंसर है। तो आपने क्या किया बेटे, टू स्टेप्स किए। एक तो किया x और y को इंटरचेंज, और इंटरचेंज वाली इक्वेशन के अंदर y इन टर्म्स ऑफ x आपने निकाल लिया। अब ये जो y है ये इनवर्स ऑफ x है, तो आप चाहे इसको f इनवर्स x लिख लीजिए,
तो इट इज 3/2x - 9/4। यहाँ पे हो सकता है इनवर्स वाई बोल दे, तो एक्स की जगह वाई डाल दीजिए, इनवर्स निकल चुका है। अब वो वेरिएबल जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं। तो लेट अस सी इन द ऑप्शंस। तो वी हैव एन ऑप्शन दिस बी, तो 3/2x - 9/4 इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो आई होप इनवर्स फंक्शन निकालना बहुत ही क्लियर मेथड से आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करते हैं उसके बेस पे क्वेश्चन है। अब हम देखिए टाइप ऑफ फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन के ऊपर कर चुके हैं। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्पोजिट ऑफ अ फंक्शन। कॉम्पोजिट एक से ज्यादा फंक्शंस का जो जोड़ होता है। आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है, जी ऑफ एक्स दिया गया है। इसके बेस पे तो देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अभी भी रिसेंटली ईयर्स में भी आए हुए हैं। तो अभी क्या पूछा गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपसे निकालना है, इक्वल टू 24/5 करना है, उससे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ही निकालें। तो f of g of x क्या होता है, ये होता है f का फंक्शन, उसके अंदर x की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे g of x को। तो 2 के साथ ये x की जगह क्या रिप्लेस हो गया, x square plus 7 तो था ही, तो मतलब हमने इस फंक्शन में x की वैल्यू x square plus 7 डाल दी है। इसको ओपन अप कर लेंगे, इज इक्वल टू 25, ये हमें गिवन है। इसको हमें सॉल्व करना है थोड़ा सा, देखिए तो 2x square plus 7 to the 14 plus 7 is equal to 25। तो ये बन गया 21, 25 से सबट्रैक्ट होके क्या बन गया 4। तो x square is equal to 2 बन गया, that means x is equal to plus minus root 2। तो options आपके पास आ गई plus and minus root 2। So I think this is very simple question कि जिसमें हमें दोनों functions का क्या करना होता है, composite करना होता है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि दो questions का एक दूसरे के क्या ये inverse हैं कि नहीं, तो उस केस में आपको दोनों का कॉम्पोजिट शो करना होता है कि वो एक्स के बराबर आ जाए। अगर मान लो दोनों का कॉम्पोजिट एक्स के बराबर आ जाए तो दोज टू फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। चलिए, द मोस्ट रिवेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डोमेन्स एंड रेंज। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें न्यूमेरिकली चीजों को सॉल्व करना पड़ता है और ये बहुत ज्यादा आपकी कैलकुलेशन वर्क को डिमांड करते हैं। तो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन, 2018-1 का क्वेश्चन है ये। Find the domain of 1/√(mod x − x). ये सेम क्वेश्चन यही मेंस में भी आ चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस को कैसे अप्लाई करते हैं। पहली चीज जो होती है रूट, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पर यहाँ पे कंडीशन कुछ और भी साथ में जुड़ी है, दैट इज अ रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन ये कहता है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो जो ये ऑप्शन होनी चाहिए थी मॉड एक्स माइनस एक्स, होना तो चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट रेसिप्रोकल होने के साथ ये चीज बन गई ओनली ग्रेटर देन 0। तो ये टाइप की जो कंडीशंस होती हैं हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ओवरलैप करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई दो लगाई, एक तो लगाई स्क्वायर रूट फंक्शन की और एक लगाई रेसिप्रोकल फंक्शन की। अब इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, जिसके लिए ये वैल्यू डिफाइंड हो x की वो वैल्यूज वही हमारा आंसर होता है, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। तो यहाँ पे देखिए मॉड x शुड बी ग्रेटर देन x। अब ये कब हो सकता है, मॉड हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये या तो एक्स के बराबर ही होती है। वो कब होती है, जब वो जीरो या जीरो से बड़ा हो। और जब नेगेटिव केस होते हैं, मतलब -3 मान लीजिए एक्स की वैल्यू है -3, तो मॉड ऑफ दैट तो 3 हो गया, ये वैल्यू रह गई -3। मतलब ऑल नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, पर किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऑल नेगेटिव को हम कैसे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं -∞ से 0 तक। अब ये फॉर्म कोई और भी हो सकती थी, आपको हो सकता है दिया जाए नेगेटिव रियल नंबर्स, तो ऐसे भी आपको आंसर की फॉर्मेट दिया जा सकता था। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो है -∞ to 0। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं डोमेन के ऊपर। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन √(x − 1)/(x − 4) एंड ये 2018-2 का क्वेश्चन है। तो इसका प्रोसीजर समझते हैं फिर से क्या है। देखिए यहाँ पे फिर से दो तरह के फंक्शन है, एक तो स्क्वायर रूट फंक्शन और एक रेसिप्रोकल फंक्शन। तो दोनों की कंडीशन सुपरइम्पोज कर देते हैं। रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, दैट मींस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। सो एक्स माइनस 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 4। अब जरा नंबर लाइन पे इसको बना के देखते हैं। देखिए ये कंडीशन कह रही है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है पर 4 नहीं हो सकता। तो 4 पे यहाँ पे होल आ गया। तो अब इसको जो है सेट की फॉर्म में, इंटरवल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाए, इंटरवल फॉर्म हमने सेट्स के अंदर करी है अच्छे से। तो ये 1 से लेके 4 तक है इंटरवल, तो 1 क्लोज्ड है और 4 ओपन है।
फिर फोर से ही शुरू हो गया, उसको यूनियन की फॉर्म में लिखेंगे फोर से लेके इन्फिनिटी। तो ये तरीका है इसको लिखने का। मतलब हम ये भी लिख सकते थे वन टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बना देते फोर, पर ऑप्शंस में अगर देखें तो हमें यूनियन की फॉर्म में दिया गया है, तो ये वन से लेके फोर तक एक्सेप्ट फोर टू इन्फिनिटी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड एज अ डोमेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एनडीए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज क्या होता है एक आउटपुट ऑफ द फंक्शन, इनको हम बहुत सारे शॉर्टकट्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अगर तो ये होता सिंपल फंक्शन, सिंपल साइन एक्स साइन टू एक्स, तो हम इसका ग्राफ से इसको एनालाइज कर लेते हैं। अब ये जो है कॉस और साइन में इंटरमिक्स्ड क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसके लिए एक शॉर्टकट देने जा रहा हूं कि जब भी एक फॉर्म ऐसी दिखे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो इसकी जो रेंज होती है, जो रेंज है दैट इज ऑफ द फॉर्म माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर टू अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बस इतना ही इसका आंसर होगा। जब भी ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा वाली फॉर्म होगी, थीटा मस्ट बी सेम, जैसे कि इस केस में है 2x 2x, ए जो है वो 1 है और बी जो है वो माइनस 1 है। ए और बी क्या होते हैं, इनके कॉफिशियंट्स। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी, तो रेंज ऑफ कॉस 2x माइनस साइन 2x कैसी होगी बेटे, तो इट इज अंडर रूट ऑफ माइनस, एक बार लगा देना, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना होता है 2, तो रूट ऑफ 2 आ गया। और ऐसे ही अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है रूट 2, तो माइनस रूट टू से रूट टू तक इस फंक्शन की जो है वो रेंज है। तो दिस इज अवर आंसर। तो रेंज अगर इसके प्रॉपर प्रोसीजर से हमें निकालनी होती, तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, फिर रूट टू को हमें 1/√2 को cos 45 और sin 45 लिखना पड़ता, इसको मिक्स करना पड़ता है एक तरह का फॉर्मूला लगा के। बहुत लंबा क्वेश्चन था, सो द शॉर्टकट कैन बी इजीली रिमेंबर्ड, और ये कहीं भी आपका एप्लीकेबल है जब भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा जैसी फॉर्म होगी। एक और क्वेश्चन में आपको इसी की फॉर्म से भी रिसेंट आया था 2018 में, वो भी इसके बाद आपको करके दिखाता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर एनडीए 2018-1 का। इफ फंक्शन f फ्रॉम r टू s, r क्या होती है डोमेन और s क्या होती है कोडोमेन, डिफाइंड बाय द फंक्शन, फंक्शन आपको दे दिया गया है f of x इज ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन क्यों लिखा गया है, ये आपको समझना है कि जो ऑन टू फंक्शन होता है उसमें कोडोमेन ही रेंज के बराबर होती है। तो आपसे जो रेंज पूछी जाएगी, देन व्हाट इज s इक्वल टू, बेसिकली रेंज पूछने का ही एक और घुमा के एक मेथड है। तो ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको रेंज पूछ ली गई है, अगर सीधा भी लिखा जाता तब भी वही मतलब था। अब यहाँ पे दो चीजें इसने इंटरप्रेट करवा ली है कि क्वेश्चन में, एक तो आपको फंक्शन का पता होना चाहिए टाइप्स कौन सी होती हैं और रेंज कैसे निकालनी है। तो न्यूमेरिकली भी यहाँ पे सॉल्व हो गया और थ्योरेटिकली भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो फंक्शन जो था आपके पास कैसा था, 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस 1, तो इसका तो मैंने आपको रेंज का शॉर्टकट बता ही दिया है क्या होगा इसकी रेंज, सिर्फ इतने पोर्शन की रेंज कितनी होगी, माइनस ऑफ अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बस इसमें हमने क्या करना है, 1 को ऐड करना है, पहले तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी है, ये बन गई माइनस 5 टू 5। अब हमें इसमें दोनों में ही 1 को ऐड करना है, तो जब 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस 4 से लेके 6 तक, पर ये दोनों ही इंक्लूडेड है तो दोनों के अंदर क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज अवर आंसर। तो इज इट क्लियर, देखिए सबसे पहले तो इतने पोर्शन के लिए हमने शॉर्टकट लगाया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद माइनस साइन एंड प्लस साइन, इसकी रेंज है ये। तो उसमें हमने क्या किया, जो प्लस 1 था इस फंक्शन की रेंज के अंदर ही, तो प्लस एडेड है 1, तो जो भी प्लस में होगा वो हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। तो यहां पे हम दोनों साइड्स पे इसको ऐड कर दिया, तो आउटपुट हमारे सामने दिख रही है।